नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर धार के मनावर से, जहां अखिल भारतीय सीआरबी महासभा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कैलाश मुकाती द्वारा महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम दिव्या पटेल को दिया गया। कोरोना पॉजिटिव के लिए लाया गया इंजेक्शन वार्ड बॉय ने दूसरे को बेच दिया। इंजेक्शन न लगने के कारण कोरोना मरीज की मौत हो गई। अखिल भारतीय सीआरबी महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश मुकाती द्वारा बताया गया कि 55 वर्षीय स्वर्गीय कैलाश कोतवाल के साथ इंदौर के सुपर स्पेशलिटी कोरोना में उक्त घटना घटित हुई। अस्पताल के वार्ड बॉय जितेंद्र मौर्य के द्वारा जानबूझकर लापरवाही बरतते हुए कैलाश कोतवाल को लगने वाला इंजेक्शन वार्ड में दूसरे व्यक्ति को बेचकर जो अपराध किया है, एक गंभीर अपराध है। इंजेक्शन नहीं लगने से मौत हो गई, इसको लेकर इसलिए समाज ने विरोध प्रकट करते हुए 17 तहसीलों में ज्ञापन दिया। आज जो ज्ञापन दिया गया है वो अखिल भारतीय श्री महासभा मध्य प्रदेश की ओर से मध्य प्रदेश में 17 तहसीलों में निवासरत समाज बंधुओं के द्वारा 17 तहसीलों में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने का कारण हमारे श्री समाज कुक्षी कापसी के रहने वाले कैलाश जी कोतवाल, जिनको कोरोना हुआ था पिछले दिनों, उन्हें इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां पर उनको डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि इनको ये दवाई जो भी लाना था वो ला के दी, तो उसमें एक इंजेक्शन था। जो इंजेक्शन ला के दिया गया था वो कैलाश जी कोतवाल को लगना था, वो वहां के वार्ड बॉय ने किसी और अन्य को बेच दिया। वो इंजेक्शन न लगने के कारण कैलाश जी कोतवाल की हालत ख़राब होती गई। उन्हें वहाँ से फिर हम दूसरे हॉस्पिटल पे एडमिट किया गया, जहाँ उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो हम चाहते हैं श्री समाज बंधु की इस तरीके से जो अमानवीय कृत्य हुआ है, तो शासन से हम मांग करते हैं कि उस परिवार को सहायता राशि दी जाए, साथ ही उस परिवार के व्यक्ति को नौकरी पे लगाया जाए और उस हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर कठोर कार्रवाई कर और जांच की जाए। हो सकता है इसके पहले और भी ऐसे कुछ कृत्य हुआ होगा, जो इंजेक्शन किसी और को बेचा गया होगा। तो इस संबंध में हम लोग ये चाहते हैं कि इसकी जांच कर संबंधित दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। मनावर से अनिल तोमर की रिपोर्ट।